नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अपन कंटिन्यू करें, बीएससी पार्ट थर्ड अपना चल रहा था, उसमें एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 7 और 8 ये कुछ एग्जांपल हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 8, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करो और ऑनलाइन देखा करो, वीडियोस को डाउनलोड मत किया करो। लिख रखा है कि R एक वलय है, माना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, वो 2020 में आ गए तो 21 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पिछले वाला जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 7, वो 2020 में आया है। माना कि कैपिटल R एक वलय है तो सिद्ध करो कि सी एक सेट दे रखा है, सी में एक्स एलिमेंट है वो आर का वलय का वो एलिमेंट आता है कि एक्स है वो वाई और वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। दोस्तों ये वलय की केंद्र की परिभाषा है, वलय का केंद्र में वलय के वो एलिमेंट आते हैं जो वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो सिद्ध करो कि सी वलय आर का उपवलय है। देखो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा साथ साथ आते हैं, जो नॉर्मलाइजर का क्वेश्चन है, प्रसामान्यक का क्वेश्चन है और वलय का केंद्र, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा साथ साथ आते हैं। तो 2020 में नॉर्मलाइजर पूछा गया था, तो हो सकता है 2021 में आपको वलय के केंद्र के बारे में पूछ ले कि सिद्ध करो कि वलय का केंद्र होता है वो हमेशा वलय का क्या होता है, उपवलय होता है। या तो ऐसे लिख के दे देगा या फिर ये वलय, ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखी हुई है ये वलय के केंद्र की परिभाषा है कि वलय के केंद्र में वलय के वो एलिमेंट आते हैं जो वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख के भी दे सकता था कि सिद्ध करो कि जो वलय का केंद्र है वो क्या होता है, वलय का उपवलय होता है। चलो इसके बारे में अपन करते हैं। आसान सा है, सॉल्यूशन पार्ट। अच्छा मैं देख लेता हूँ सब कुछ ओके है क्या, कैमरा सेटअप। हाँ बिल्कुल दोस्तों ठीक है। अच्छा क्या दिया है वो भी लिख देता हूँ। दिया गया है कि R एक वलय है, तथा हमें वलय के केंद्र वलय का केंद्र बताओ क्या है, C में वो रिंग के एलिमेंट आते हैं कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स होता है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। हमें सिद्ध करना है कि वलय का केंद्र आर का
उपवलय होता है। आर का क्या होता है? उपवलय होता है। वलय के केंद्र को उपवलय बता रहा है। उपवलय बताने के लिए वही काम जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी बता दे। तो देखो लेट ई एलिमेंट है आर का, भाई वलय में तत्सम अवयव होता है, ई एलिमेंट है आर का सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार है कि बताओ ई एलिमेंट किसके साथ कम्यूट करेगा, ई एलिमेंट वाई के साथ कम्यूट करेगा, ई वाई बराबर क्या हो गया वाई ई। और जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट वाई के साथ कम्यूट करता है वो सेंटर में चला जाता है, तो ई एलिमेंट किस में चला गया, सेंटर में चला गया, क्योंकि ई एलिमेंट वाई के साथ कम्यूट कर रहा है। जैसे पिछली थ्योरम की थी वो कि वो है, इसका मतलब है, जो सेंटर है वो क्या हो गया नॉन एम्प्टी। उसमें एन ए की बात कर रहे थे, इसमें सेंटर की बात कर रहे हैं, जो सेंटर है वो क्या हो गया नॉन एम्प्टी हो गया। अब नॉन एम्प्टी हो गया तो अब सेंटर में एलिमेंट माने, इसमें दो एलिमेंट मान लो आप, आपकी मर्जी, आप आर वन आर टू ही कर ले इसमें भी। तो मान लेते हैं लेट आर वन और आर टू दो एलिमेंट किसके हैं सेंटर के, और सेंटर में एलिमेंट होता है वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो सच दैट इस प्रकार है, सच दैट बताओ सेंटर में एलिमेंट होता है वो वाई के साथ कम्यूट करता है, तो आर वन वाई बराबर वाई आर वन, आर टू वाई बराबर वाई आर टू, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रिंग, आर वन आर टू सेंटर में है तो इस कंडीशन को फॉलो कर गए। अच्छा आपको ये बताना है, अब देखो सुनो, आपको सिद्ध क्या करना है, एक बार तो इन दोनों का डिफरेंस आर वन माइनस आर टू, एक तो ये बताना है आपको, और एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट आर वन आर टू बिलोंग्स टू सी, ये दो चीज़ सिद्ध करनी है। बताओ ये कब सिद्ध होगा, ये तब सिद्ध होगा जब आर वन माइनस आर टू बी किसके साथ कम्यूट करे, वाई के साथ कम्यूट करे। इसका मतलब ये बताने के लिए, आपको ये बताने के लिए तो ये बताना पड़ेगा, और आर वन आर टू सी में कब आएगा, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब आर वन आर टू वाई बराबर वाई आर वन आर टू, वो भी इस कंडीशन को फॉलो करे। तो जब ये बता दूंगा इसका मतलब आर वन आर टू सी में हो जाएगा, जब आर वन आर टू वाई के साथ कम्यूट करेगा तो आर वन आर टू सेंटर में चला जाएगा, और आर वन आर टू है वाई के साथ कम्यूट करेगा तो ये चला जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको बतानी है इनको बताने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से बता दी है, इनको उठा देता हूँ मैं। देखना, क्योंकि R1 माइनस R2 और गुणा में Y, R1 माइनस R2 Y, बताओ इस चीज को दोस्तों ऐसे लिखा लिख सकते हो या नहीं, R1 और माइनस R2 और ये Y, ऐसे कैसे, ठीक है। अब बंटन का नियम लगाता हूँ, भाई a प्लस बी और गुणा में y है और वलय है, भाई r1 एलिमेंट c का है, c का तो प्रत्येक एलिमेंट रिंग का होता है, तो ये भी रिंग का, ये भी रिंग का और ये भी रिंग का, तीनों रिंग के एलिमेंट है और रिंग में बंटन का नियम लगता है, तो बंटन का नियम से गुणा करो भाई, आर वन वाई माइनस आर टू वाई, सामने लिख दूंगा कौन सा नियम है ये, बंटन का नियम, पिछले में भी लिख लेना चाहिए आप, पिछले क्वेश्चन में भी जहां भी गुणा हुआ था उसको लिख लेना बंटन का नियम। ये वलय की प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, हमेशा माइनस हो जाता है, तो आर वन वाई माइनस आर टू वाई, ठीक है, आर वन वाई माइनस आर टू वाई। नेक्स्ट स्टेप देखो, आर वन वाई की जगह तो आप लिख लो वाई आर वन माइनस आर टू वाई की जगह लिख लो वाई आर टू, वाई आर टू, तो ये बराबर में, इसके बराबर में चल रहा है, इससे यहां लिख रहा हूं मैं। देखो वाई को तो आगे निकाल लो, अच्छा वाई को आगे निकालने से पहले एक काम करो आप, इसको वाई आर वन प्लस वाई माइनस आर टू लिख लो। अब y को आगे निकाल लो,
तो ये बनेगा आर वन प्लस माइनस का आर टू, और ये कौन सा नियम है वापस है? बंटनता नियम। तो ये बना वाई आर वन प्लस माइनस माइनस होता है आर टू। तो कुल मिला के आर वन माइनस आर टू वाई तो लेके चला था और वाई आर वन माइनस आर टू आ गया, इसलिए मैं इसको दोबारा से लिखूं आर वन माइनस आर टू वाई, ये तो लेके चला था और वाई आर वन माइनस आर टू आ गया, इसका मतलब आर वन माइनस आर टू है वो किस में आ गया? सेंटर में आ गया। इसलिए मैं बोलूंगा कि आपने आर वन और आर टू सेंटर के दो एलिमेंट लेके चले थे, आर वन और आर टू आप सेंटर के दो एलिमेंट लेके चले थे, और इन दोनों का डिफरेंस आर वन माइनस आर टू वो भी किस में आ गया? सेंटर में आ गया। एक तो ये बता दिया। दूसरा, अगेन एक बार अपने को R1 और R2 का जो प्रोडक्ट है वो सेंटर में बताना है, तो R1 R2 Y। अब देखो ये भी रिंग का एलिमेंट, ये भी रिंग का, ये भी रिंग का, तो R और रिंग है वो गुणा संक्रिया के लिए साचर्य नियम की पालना करता है, R1 R2 Y। आर टू वाई को वाई आर टू लिख सकते हैं, तो इसकी जगह वाई आर टू लिख दिया, और वापस साचर्य नियम लगाओ तो आर वन वाई आर टू, और आर वन वाई को वाई आर वन लिख दो वहाँ से, और ये आर टू, फिर साचर्य नियम लगाओ तो आर वन आर टू को एक साथ ले लो, इसलिए आर वन आर टू वाई बराबर वाई आर वन आर टू ये बनाओ। और ये बनते ही दोस्तों जो एलिमेंट y के साथ कम्यूट करता है वो किस में आ जाता है? सेंटर में आ जाता है, इसका मतलब r1 r2 आ गया वो किस में आ गया? सेंटर में आ गया। सेंटर में आ गया तो मैं ये लिख सकता हूँ कि r1 और r2 आप सेंटर के दो एलिमेंट ले रहे थे, और इन दोनों का जो गुणनफल है r1 r2 वो भी आपने किस में बता दिया? सेंटर में बता दिया। तो ये और ये दोनों कंडीशन हो गई ना, इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर है वो सब रिंग हो गया। अतः स्पष्ट है कि सी वलय आर का उपवलय है, सब रिंग है। तो एक तो ये है। अब एक अंतिम एग्जाम्पल बचा हुआ है, इसको कीजिए आप, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जैसा एग्जाम्पल नंबर 7 था वैसा ही कुछ ये है, दोनों एक जैसे हैं। कीजिए इसको, चले आगे। तो दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 7 2020 में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो हटा देता हूँ मैं इसको। अब अपना अंतिम एग्जाम्पल बचा हुआ है सबरिंग का, उसके बाद में अपना रिंग होमोमोर्फिज्म चलेगा। जैसे चैप्टर नंबर अपने 5 में तो ग्रुप होमोमोर्फिज्म पढ़ी थी, ग्रुप समाकारिता, और अब आएगा वलय समाकारिता।
ये अपना सबरिंग का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद में अपनी रिंग होमोमोर्फिज्म में पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 में दे रखा है कि समुच्चय है, T1 में दो एलिमेंट हैं A और B, T2 में दो एलिमेंट हैं A और C, T3 में भी दो एलिमेंट हैं A और D, ठीक है। एक वलय दे रखा है, एक वलय S दे रखा है और S में एलिमेंट है A, B, C और D, A, B, C, D, जिसमें योग और गुणा संक्रिया निम्न सारणियों द्वारा परिभाषित है, जिसमें योग व गुणा संक्रिया निम्न सारणियों द्वारा परिभाषित है, के उपवलय हैं, के उपवलय हैं और सारणी योग और गुणा संक्रिया। कुल मिला के दोस्तों थ्योरम क्या कहना चाहती है कि S को एक वलय दिया है, S को क्या दिया है, एक वलय, और S में जो प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया कैसे परिभाषित है वो तो दो सारणियां बना के दी है, और T1, T2, T3 ये दिख रहा है कि ये S के सबसेट है, तो T1, T2 और T3 तीनों को मेरे को क्या बताना है, उपवलय बताना है, क्या बताना है, उपवलय बताना है। और संक्रिया अपने को दे रखी है, मैं लिख देता हूँ कि S के अंदर प्लस संक्रिया तो कैसे परिभाषित है, S में एलिमेंट है A, B, C और D, चार एलिमेंट है A, B, C और D, A, B, C, D, BA DC, CD AB, CD AB और DCBA, DCBA। ये तो S के अंदर योग संक्रिया परिभाषित है, गुणा संक्रिया कैसे परिभाषित है, यहाँ गुणा लगा देता हूँ A B C D, यह है A A A A। अब जैसे परिभाषित करके क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ वो B A B C A C D A D, ठीक है भाई। ये मैंने समझा दिया है क्वेश्चन, फिर से मैं बता देता हूँ कि S एक वलय है, S में चार एलिमेंट है और S एक वलय है प्लस और डॉट संक्रिया के लिए, जिसमें प्लस संक्रिया तो ऐसे परिभाषित है और डॉट संक्रिया ऐसे परिभाषित है। S के अपने को चार सबसेट, तीन सबसेट दिए हैं, T1, T2 और T3, तीन सबसेट दिए हैं T1, T2, T3, और जो T1, T2, T3 है उनको मेरे को वलय S की क्या बताना है, उपवलय बताना है। तो एक एक को करेंगे अपन। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस एग्जांपल को कीजिए, सबसे पहले तो आप इस एग्जांपल को कीजिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। बढ़े आगे देखो, सॉल्यूशन सबसे पहले तो पहला करता हूं, T1 वाला करता हूं,
अपने को दिया है कि गिवन टी वन में दो एलिमेंट हैं ए और बी तथा एस में चार एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, चार एलिमेंट हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टी वन का प्रत्येक एलिमेंट है वो बताओ किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। टी वन का प्रत्येक एलिमेंट एस का एलिमेंट है तो टी वन एस का सबसेट है, टी वन है वो एस का सबसेट है तथा टी वन जो है वो नॉन एम्प्टी है, टी वन जो है वो एस का सबसेट है, टी वन एस का सबसेट है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। तो अब अपने को सबरिंग बताना है और दो एलिमेंट दिए ही है, चूंकि ए एलिमेंट टी वन में और यहां से बी एलिमेंट टी वन में इंप्लाई है, आपको ए माइनस बी, ए माइनस बी का मान निकालना है। देखो ए माइनस बी को या फिर नौ लगाकर भी लिख सकता हूं मैं इसको, या डबल डॉट बना के ए माइनस बी, ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा माइनस बी का मतलब क्या होता है, माइनस बी का मतलब होता है अवयव बी का योज्य प्रतिलोम, माइनस बी का मतलब क्या होता है अवयव बी का योज्य प्रतिलोम। अब बताओ जैसे ये प्लस की टेबल है ये और इसके कोरस्पोंडिंग इसकी फोटोकॉपी यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब जो ए अवयव है वो तो क्या बन गया तत्समक अवयव। भाई प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है ए, देखने से ही पता लग रहा है कि प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है ए। क्यों है, क्योंकि इस लाइन की फोटोकॉपी जहाँ नीचे मिलती है ना इसके कोरस्पोंड इसके अनुदिश मिलती है, ये और ये बिल्कुल सेम है तो ये एलिमेंट है वो तत्समक अवयव कहलाता है, तो ए तत्समक अवयव है। ए तत्समक अवयव है तो बी में क्या जोड़े कि ए आ जाए, बी में बी जोड़ने से ए आ रहा है, इसका मतलब बी का प्रतिलोम क्या हो गया बी हो गया ना, टेबल को देखने से प्रतिलोम देख सकते हैं ना आप, बी का प्रतिलोम क्या है बी, क्योंकि बी में बी जोड़ने से ए आया। तो मैं क्या लिखूंगा माइनस बी बराबर बी का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। माइनस बी होता क्या है, माइनस बी होता है बी का योज्य प्रतिलोम, और बी का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या है बी, तो ये हो गया बी, माइनस बी का मान किसके बराबर हो गया बी के बराबर है। तो ए प्लस माइनस बी की जगह बी रख दिया, टेबल का यूज किया है, टेबल में माइनस बी का मतलब होता है बी का योज्य प्रतिलोम और टेबल में बी का योज्य प्रतिलोम क्या आया बी, ए को बी में जोड़ो, ए प्लस बी, ए को बी में जोड़ने से क्या आ रहा है बी, टेबल के अनुसार ए प्लस बी किया तो बी, और बी बताओ एलिमेंट किसका है, ये बी जो एलिमेंट है वो वापस है वो टी वन का है। देखो बी एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट टी वन में कर रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए एलिमेंट आपने टी वन का लिया, बी एलिमेंट भी आपने टी वन का लिया, और आपने ए माइनस बी एलिमेंट किस में बता दिया टी वन में बता दिया, ए माइनस बी को टी वन में बता दिया। तो एलिमेंटों का डिफरेंस है वो टी वन में है। अब एलिमेंटों का प्रोडक्ट भी बताना है, एलिमेंटों का प्रोडक्ट बताना है, तो देखो ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट, ए को बी से गुणा करो भाई, तो ए डॉट बी, ए को बी से गुणा करने से क्या आ रहा है, ए को डॉट किया बी से तो ए आ गया, ए आ गया। अब ए बताओ ए बिलोंग किस में करता है, ए टी वन में बिलोंग करता है, ए है वो टी वन में बिलोंग करता है, इसलिए मैंने ए एलिमेंट टी वन का लिया और बी एलिमेंट भी मैंने टी वन का लिया और इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो ए डॉट बी आया और वो भी किस में आ गया टी वन में। तो टी वन के दो एलिमेंटों का डॉट भी टी वन में आया और टी वन के दो एलिमेंटों का डिफरेंस भी टी वन में आया, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि टी वन एस की बताओ क्या है सब रिंग है, अतः स्पष्ट है कि जो टी वन है वो एस की क्या है सब रिंग है। आप इसको कीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक और बता देता हूं भाई, टी वन को सब रिंग बता दिया, टी टू को और बता देता हूं, टी थ्री को आप बता लेना,
ठीक है ना। अरे तीनों एक जैसे ही तो है, T1 को मैंने सबरिंग बता दिया, T2 को और बता देता हूँ, T3 को आप कर लेना, फिर अपना ये एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाएगा। चले आगे, देखो सेकंड पार्ट, T2 की बात करते हैं हम। T2 में जो एलिमेंट है वो क्या है, A और C, तथा S में जो एलिमेंट है वो क्या है, A, B, C और D। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि T2 है वो S का सबसेट है, तथा T2 है वो खुद भी क्या है, नॉन एम्प्टी है। चूंकि A एलिमेंट T2 का और C एलिमेंट भी किसका है, T2 का, इन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस निकालो, A माइनस सी निकालो, A माइनस सी को A प्लस माइनस सी लिख दूं, और माइनस सी मतलब C का योज्य प्रतिलोम, बताओ C को किस में जोड़े, C को C में जोड़ने से तत्समक अवयव आ रहा है, C को C में जोड़ने से तत्समक अवयव आ रहा है, इसका मतलब C का प्रतिलोम C, तो A प्लस माइनस सी की जगह C लिख देंगे, C का योज्य प्रतिलोम माइनस सी का जो मान है वो किसके बराबर है, सी के। और ए को सी में जोड़ो, ए को सी में जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी, और सी एलिमेंट है किसका, सी जो एलिमेंट है किसका, T2 का। इसलिए आपने ए एलिमेंट T2 का लिया था, सी एलिमेंट T2 का लिया था, और इन दोनों का जो डिफरेंस ए माइनस सी है वो भी किसका बता दिया, T2 का बता दिया। अगेन आप A और C इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो A और C का प्रोडक्ट निकालोगे तो A को डॉट किया C के साथ, बताओ क्या आ रहा है, A आ रहा है, A को C के साथ किया A, और A एलिमेंट वापस किसका आ गया, A एलिमेंट आ गया T2 का। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि A एलिमेंट T2 का, C एलिमेंट भी T2 का, और इनका जो प्रोडक्ट बना A डॉट C वो भी किसका आ गया, T2 आ। अतः स्पष्ट है कि T2 S का उपवल है। ठीक है दोस्तों, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है आपको करना है, इस प्रकार से अपन ने ये एग्जांपल कर लिया है, अब इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे से एक नया टॉपिक चालू होगा, टॉपिक तो इसी चैप्टर का है लेकिन नया टॉपिक है, तो उसको अपन अगले लेक्चर में करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है वलय समाकारिता। क्या नाम है उसका, रिंग होमोमोर्फिज्म। आप वीडियोज़ को लाइक करो, ठीक है, फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद दोस्तों।